मी कुठल्याही गोष्टीवर वक्तव्य केल्यास त्या वक्तव्याची मोडतोड करून भलताच अर्थ काढण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून गेल्या काही दिवसांपासून होत खंत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली आहे नागरी बँकांच्या कार्यक्रमात मी जे काही बोललो त्यात निवडणुकीचा कोणताही संदर्भ नव्हता माझ्या वक्तव्याची मोडतोड करण्यात आली ह्यापूर्वी सातत्याने असं झालंय वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात येत असेल तर बोलणेच कठीण आहे आगामी लोकसभा निवर्ण पंप्रधान नरेंद्र मोदी नेतृत्वा खाली लड़वली जा रूँ निवणुकी भारतीय जनता पक्षाला बहुमता ने सत्ता मिले मात्र पंप्रधान पदा शर्यती में अपन नसल गडकर ने स्पष्ट किया है वाक्य लिखकर जो कुछ प्रकाशित किया उसको सुधार करने की कृपा करें यही मेरा आपसे अनुरोध है इसी बात के लिए मैंने आप सबको बुलाया था पर ये पिछले एक महीने में दो तीन बार ये अनुभव मुझे आया है और मैं यही मानता हूँ कि अगर किसी को लिखना है तो अपने नाम पर लिखे उसके लिए मेरा इस प्रकार की स्टेटमेंट्स को तोड़ मोड़ कर लिखना उचित नहीं होगा इतना ही मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है देखिए कौन कोई पत्र लिखता है किसको क्या लिखता है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है जहाँ तक मेरा विश्वास है कि दो का चुनाव होगा मोदी जी के नेतृत्व में होगा और हम फिर से रिजनेबल मेजोरिटी से चुनकर आएंगे आएँगे न मैं कोई इस रेस में हूँ ना कोई कंपटीशन में हूँ ना कोई मेरा इस बात से संबंध है ये कौन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? ये आप ढूंढने का काम करें आप ऐसा मत करिए इतना तो मैं कह सकता हूँ ये बात मैंने उसी रेफरेंस में कही थी कि बैंक में जब प्रॉफिट होता है तो सब लोग श्रेय लेते हैं लॉस होता है तो फिर आपस में झगड़े होते हैं और चुनाव में भी ऐसा ही होता है इसलिए जीत और हर दोनों को स्वीकार करना चाहिए और आगे जाना चाहिए